वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर आई हूँ आपके पास एक नई रेसिपी के साथ। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं आपको नारियल की चटनी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। और चलिए अब बताते हैं आपको कि मैंने इस नारियल की चटनी के लिए कौन कौन सी चीज़ें ली है, यूज करिए। ये देखिए, मैंने रोस्टेड चने लिए हैं और मूंगफली ली है, दोनों रोस्टेड हैं। ये इसके छिलके आप उतार लीजिएगा। और ये नारियल है जिसका मैंने ऊपर का कवर उतार लिया है, जो नारियल के ऊपर ब्राउन होता है। और ये कुछ मैंने हरी मिर्च ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी आप तीखा खाते हो। मैंने काफी ली है, 6-7 मिर्च है मेरी। टेस्ट के अनुसार नमक, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको मैंने पीसेस में कर लिया है, और ये राई के दाने हैं, और ये बिना छिलके वाली उड़द की दाल है, ये कुछ लाल मिर्च है, और ये कड़ी पत्ता है जो थोड़ा सा सूख गया है, इसका कलर इसीलिए ऐसा आपको दिख रहा है, ये कड़ी पत्ता है। और ये जो हम ये लाल मिर्च और ये उड़द की दाल और ये कड़ी पत्ता है, इसको हम फ्राई करने में यूज करेंगे। तो चलिए अब बनाते हैं नारियल की चटनी, बनाना स्टार्ट। फ्रेंड देखिए, मैंने ये ग्राइंडर का बाउल ले लिया है, ये छोटा वाला बाउल है। इसमें आप हरी मिर्च, ये देखिए मैं हरी मिर्च डाल दे रही हूँ, और ये नारियल के जो टुकड़े हैं वो ले लिए हैं मैंने, डाल दिए हैं इसमें। सारी चीजें आप एक साथ पीस सकते हैं। ये इसमें रोस्टेड मूंगफली मैंने आपको बताया था, ये रोस्टेड चने, ये सब डाल दिया मैंने। इसमें अदरक के जो पीसेस थे वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और टेस्ट के अनुसार ये नमक। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी भी हम ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर ले रहे हैं थोड़ा सा, ये देखिए ऐड कर लिया। अब इसको हम चलिए ग्राइंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा इसके तैयार हो गया है। अब चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं, इसमें तड़का लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड, फ्राई करने के मैंने गैस जला दिया है, ये मैं कढ़ाई रख दूंगी, इसमें कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, यूज किया है, थोड़ा सा ऑयल डाला इसमें, इसको गर्म होने देंगे, ये गर्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें फिर इसमें हम ये राई के दाने डालेंगे, राई के दाने डाल दिए, ये राई के दाने थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे, रोस्ट हो जाएंगे। फिर इसमें ये उड़द की जो विदाउट छिलके वाली है, गैस को हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे, ये इसको चटकने देंगे थोड़ा। फिर इसमें हम चटक रहा है, फिर इसमें हम लाल मिर्च भी डाल देते हैं, और इसमें ये कड़ी पत्ता, ये डाल दूँ, इसको थोड़ा सा हम चटकने देंगे क्योंकि इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। जो हमने पीसा था इसको हम डाल देंगे, इस चटनी को आप सांभर, मसाला डोसा, आप किसी के साथ भी यूज कर, और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसमें हम थोड़ा सा
मैंने डाल दिया, चला लेंगे। और आपको जो गैस की आंच है उसको आपको धीमा ही रखना है। अब धीमा रखिए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको जो चला के इसमें हम डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको स्लो आंच में इसको पकाना है। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे इस चटनी को आप सांभर, डोसा, इडली, बहुत ही फेमस चटनी है ये और बहुत इजी तरीके से बन जाती है, आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए अब इसको हम आप सर्व कर लेते हैं। अब ये मेरी बनके तैयार हो गई है, अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। ये चटनी हमारी एकदम रेडी है। आप इसको किसी भी ओकेजन में बना सकते हैं, आप सिर्फ इसको सांभर किसी के भी साथ आप खा सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय।